सबसे पहले तो आदरणीय पत्रकार बंधुओं, आपको साल 2024 की बहुत बहुत मुबारक, हमारी शुभकामनाएं। कल डोगरा सदर सभा की तरफ से एक मीटिंग, जो नए चीफ सेक्रेटरी आए हैं मिस्टर अटल डुल्लू, उनके साथ सेक्रेटरी के अंदर हुई, जिसमें पहली बात तो यह है कि उनका स्वागत किया कि जम्मू कश्मीर से ही हैं, वो बहुत सी बातें जानते हैं और ऐसी पोजीशन पर वो तैनात होंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो पब्लिक के इश्यूज हैं उन पर उनके साथ बात की और उनको कहा कि गवर्नमेंट उनकी तरफ ध्यान दे, क्योंकि यहाँ के हमारे पॉलिटिशियन बिल्कुल उन चीज़ों को टच नहीं कर रहे, जिसकी वजह से जम्मू को बहुत डैमेज हो रहा है, जम्मू और बहुत नुकसान पहुँच रहा है। पहला इशू हमने कहा कि यहाँ स्टेटमेंट जो दरबार मूव बंद किया, ये डोगरा सदर सभा की दरीना मांग थी, यहाँ से लेकर दिल्ली तक हम चिल्ला रहे थे कि जम्मू के लोग कश्मीर नहीं जा सकते, जो गरीब लोग हैं उनके लिए ठिकाना नहीं है वहाँ रहने का, इसलिए सेक्रेटरी जो है जम्मू का जम्मू फंक्शन करे और कश्मीर का कश्मीर फंक्शन करे। सारी वजूहात हमने बता दी थी क्या क्या इससे नुकसान हो रहे हैं, और हमारी दरीना मांग मान ली और ये सेक्रेटरी जो है दोनों कैपिटल में फंक्शन करना शुरू हो गया। अब इस पर कुछ पॉलिटिशियन जो हैं, रोज़ आए दिन हम बयान पढ़ रहे हैं कोई पॉलिटिकल पार्टियों के लोग कि भाई ये दरबार को इससे बिजनेस जम्मू के फर्क पड़ गया, ये हो गया। तो हमने कल चीफ सेक्रेटरी को कहा कि आप एक टीम लीजिए, जाइए वेब मॉल में, जाइए बाजारों के अंदर, देखिए रश कितना है, कहाँ फर्क पड़ा है। यानी ये जो भूल जाते हैं कि कश्मीर के लोगों का मेजॉरिटी लोगों का सेकंड हाउस जो है वो जम्मू के अंदर है, इसलिए उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। और अगर बिजनेस बढ़ाना ही है तो हम कब से चिल्ला रहे हैं उसका अगर संरक्षण किया जाए और उसके अंदर सारी एक्टिविटी स्टार्ट हूँ। 8 लाख वहाँ फाइल है जो दुनिया भर के रिसर्च स्कॉलर्स वहाँ पर आते थे, वो आना शुरू हूँ, प्रॉपर फैसिलिटीज उनको दी जाए, तो लाइट एंड साउंड प्रोग्राम वार्क मंडी के अंदर चले, जो हमारे गजब के बहादुर थे जिन्होंने ये स्टेट बनाई, जो फाउंडर थे, उनकी कहानी वहाँ देखने को लोगों को मिले, तो ये इस जम्मू के अंदर चहल पहल और बढ़ेगी। उस तरफ ध्यान नहीं देते और कुछ पॉलिटिशियन उंगली उठाते रहते हैं कि नहीं जी सेक्रेटरी मूव बंद होने से नुकसान हो गया, कोई नुकसान नहीं होगा, उनको हम अब वार्न करना चाहते हैं ये गलत प्रोपेगेंडा ना करिए। और कल हमने चीफ सेक्रेटरी को कहा कि आप इसको स्ट्रेंथन करिए और ये जो अफवाहें चल रही हैं कि वहाँ से आर्काइव्स हम निकाल लेंगे और वहाँ ले जाएंगे, 8 लाख फाइल अगर वहाँ से मूव करने की कोशिश की, एक तो वो ख़त्म हो जाएगी और दूसरा ये ऐसे होगा जैसे जिसम के अंदर से रूह निकाल ली जाती है। ये गलती ना करे गवर्नमेंट, उस हेरिटेज को, उन रिपोजिटरी को ना छेड़े, वो वहाँ पर रखे। और तीसरा, यहाँ का जो कल्चर है उसके बारे में ध्यान दीजिए, कोई पॉलिटिशियन नहीं बोल रहा, अफसोस की बात है। क्या हो रहा है कल्चरल अकेडमी में, क्या हो रहा है हमारी लैंग्वेज के साथ, जो लोकल लैंग्वेजेस हैं हमारी, डोगरी अब 8 शेड्यूल में आ गई, क्या हो रहा है वहाँ पर, कौन वहाँ कौन सा स्टाफ है वहाँ पर, कोई स्टाफ नहीं रहा जो इनकी अब आगे इसकी बढ़ोतरी के लिए काम करे। तो इसलिए हमने वो आज अभिनव थिएटर का हाल देखिए, अभिनव थिएटर के अंदर कुछ नहीं है, 6 करोड़ अभी थोड़ी देर पहले लगाया वहाँ पर, कहाँ गया, और अब हम फंक्शन देखने के हैं वहाँ पर। तो इसलिए हमने कहा इनकी तरफ देखो, कोई पॉलिटिशियन इसकी बात नहीं करता। और फिर एक जो पुंछ रजौरी अब फिर से बदकिस्मत बात हो रही है कि वहाँ पर मिलिटेंसी सिर उठा रही है, हमने गवर्नमेंट के साथ मिलकर, सिर्फ हमने, कोई पॉलिटिशियन नहीं था, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी हमारे साथ, सेंटर से प्राइम मिनिस्टर तक, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति तक, गवर्नर को लेकर हम वहाँ घूमते रहे और हालात वहाँ के ठीक कर दिए। आज मिलिटेंसी उठा रही है सिर, तो सिर्फ कारण एक है कि इनके पास कोई इनको फीड करने वाला, कोई ग्राउंड की रियलिटी बताने वाला नहीं है, क्योंकि एक ग्रास रूट इंस्टीट्यूशन से नंबरदार और चौकीदार वो आपने डिसमिस कर दिए, बहुत से वो आपने कमजोर कर दिया। एक भी पॉलिटिशियन, एक पॉलिटिकल पार्टी, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई किसी को पता ही नहीं कि क्या चीज़ें किन उन्होंने उस वक्त मिलिटेंसी जहाँ ख़त्म की। तो आज निहत्थे हो गए, कुछ नहीं उनके पास,
कोई इनके पास सोर्सेज नहीं है, तो हम अपील करके करके आए हैं उनको कि अब नंबरदार चौकीदार इंस्टीट्यूशंस को, ग्रासरूट इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करिए, मजबूत करिए, इनसे काम लीजिए। और अगली बात उनसे हमने उठाई है, हम धन्यवाद करते हैं कि हमने मांग की थी कि कश्मीर के अंदर नेशनलिज्म जो है वो ख़त्म होना या एंटी नेशनलिज्म को बढ़ावा मिलना, उसका कारण एक ये भी है कि आज की जनरेशन को ये नहीं पता ये स्टेट बनी कैसे, कितने लोगों ने शहादतें दी उनकी रक्षा के लिए, आए कितने शहादतें दे रहे हैं। तो हमने मांग की थी कि वहाँ उनका मेमोरियल बनाया जाए, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं वहाँ प्रताप पार्क के अंदर ने मेमोरियल बनाया, लेकिन वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्स का जरूर है पर आर्मी जवान का नहीं है। उनके लिए बलिदान स्तंभ जो है डल लेक पर बनाया जाए ताकि हर साल मेला लगे वहाँ।